गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, एम आई ऑडिबल ना? यस सर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ और assumptions हैं उसको समझेंगे, parametric test के और non-parametric test के। फिर हम parametric test कैसे करते हैं और non-parametric test कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को, दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. तो यदि आप देखते हैं कि assumptions of parametric test, आप नेट पे भी यदि सर्च करें आप सब, तो जो पहला है assumption होता है normal distribution of data, जो भी आपका सैंपल है वो आपका normally distributed होना चाहिए ना, क्योंकि तो इस इन टेस्ट का जो p value है और पैरामेट्रिक टेस्ट डिपेंड्स अपन नॉर्मल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो उस पे डिपेंड करता है। इफ द सैंपल साइज इज लार्ज एनफ एंड एक्चुअल सैंपल डेटा पॉइंट वैल्यू आर एप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंश्योर्स ए नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये होता है। होमोजेनिटी होना चाहिए, मतलब इसका वेरियंस जो है जो डेटा है मीन के आसपास, जो भी आपकी मीन लाइन है उसके आसपास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वेरिएंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल डेटा में पॉइंट ऐसा नहीं कि बहुत दूर है मीन से, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सब जितना स्टेबल है। इंटरवल डेटा होना चाहिए, ऑर्डिनल डेटा नहीं चलेगा इसमें, ऑर्डिनल डेटा यानी लिकर्ट टाइप स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटरवल डेटा होना चाहिए, ठीक है, या रेशियो डेटा, इंटरवल डेटा, कंटिन्यूस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए। इंडिपेंडेंस की बात है, जब हमारे एक से ज्यादा सैंपल होते हैं तो वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू, एक ही ऑब्जर्वेशन दो डेटा के अंदर हो, व्हाट इट। तो ये इसकी कुछ assumptions हैं जो हमें ध्यान रखना। कुछ एक और assumptions हैं कि हम ये मानते हैं कि जो हमने डेटा लिया है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से आया है हमारे पास, ये भी हमें assumptions है। कुछ डेटा की तो नॉर्मलिटी चेक करते ही है, साथ में ये मान के चलते हैं कि ये डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से आया है। यदि सिंगल सैंपल टी टेस्ट है तो हमें उस पॉपुलेशन का कोई ना कोई पैरामीटर मालूम होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई पैरामीटर मालूम होना चाहिए। तो या तो उसमें मीन मालूम हो, मीडियन मालूम हो, या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो, या कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स मालूम हो, कुछ भी, ये जैसे आप कर रहे हैं सिंगल सैंपल तभी आप उसको कर पाएंगे ना पैरामीटर से कंपेयर, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ये कुछ assumptions हैं
पैरामेट्रिक टेस्ट की यदि चीजें इन एजम्पशंस पे खरी बैठ रही और तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जाएंगे, यदि ये एजम्पशंस पे चीजें नहीं बैठ रही हैं सही तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। तो सर जब नॉर्मल डेटा नहीं होता है तब हम नॉन पैरामेट्रिक लगाएंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जाना पड़ता है ना। नॉर्मलिटी के लिए हम लोग शेप बना लेते हैं, उसका हिस्टोग्राम बना के चेक कर सकते हैं या स्किननेस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, या क्यूक्यू प्लॉट भी नॉर्मलिटी बताता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट डेटा है तो यह नॉन पैरामेट्रिक लगेगा। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? सेप्रियो टेस्ट भी होता है नॉर्मलिटी चेक करने के लिए, ये आप देखिए आर में सेप्रियो टेस्ट होता है, सेप्रियो विल्क नॉर्मलिटी टेस्ट। 0.05 से ज्यादा है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं तो नॉर्मल है, 0.5 से कम है तो नॉर्मल नहीं। ये चीजें हैं, उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं नॉर्मल है या नहीं है, इसकी नेस के द्वारा निकाल सकते हैं। ये चीजें सेफ्टी विद नॉर्मलिटी टेस्ट आप लगा लें। यदि मैं आपको इसके वो बताता हूँ इसकी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, सेप्रियो विल्क टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी इज अवेलेबल व्हेन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म एग्जामिन द कंटीन्यूअस वेरिएबल। द नल हाइपोथेसिस फॉर द टेस्ट इज दैट द डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि हमारा पी वैल्यू यदि 0.05 से ज्यादा है तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा, यदि 0.05 से कम है तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, आगे समझ में? पॉइंट जीरो फाइव से कम है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यस सर, उससे ज्यादा होना चाहिए ये, यस सर, है ना, तब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, हमें आप इससे पहले किसी भी डेटा में किसी भी वेरिएबल पे आप ये सेफ्रियो टेस्ट लगा लें, उससे पता चल जाएगा कि नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल है तो पैरामेट्रिक पे चले जाए, नहीं है तो फिर नॉन पैरामेट्रिक पे जाए। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे कि जो जी टेस्ट है वो कब उपयोग होते हैं और टी टेस्ट कब उपयोग होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करेंगे, मैं इसलिए इसी पे से करवा रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट पता चले कि क्या है। G-test is the statistical hypothesis test used in order to determine whether the two samples means calculated are different in case the standard deviation is available and sample is large, whereas the T-test is used to order to determine how average of the different data set differs from each other case. मैं आपको बताता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है,
सोचा कुछ नया मिलेगा, नहीं मिला। चेंज हुए हैं लोगों के, तो जो जी टेस्ट है और टी टेस्ट, यदि सिंगल सैंपल टी टेस्ट, एक ही सैंपल का आप ले रहे हैं, तो टी टेस्ट का उपयोग होगा 30 से कम सैंपल साइज पे, सिंगल सैंपल की बात कर रहा हूं। यदि 30 से ज्यादा का सैंपल है और एक ही सैंपल है उपयोग करेंगे, ठीक है। सर ये टेस्ट कौन सी स्टेट्स पे लगाते हैं? हेलो, तो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं टी टेस्ट का, चाहे वो सैंपल साइज कुछ भी हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 1000, है ना, हम प्रेफर करते हैं टी टेस्ट इंस्टेड ऑफ जी टेस्ट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी सर, फिर से रिपीट कीजिए। यदि सिंगल सैंपल टी टेस्ट है और उस को कि सैंपल आपके पास एक ही है, तो आप उसको किससे कंपेयर करेंगे? पॉपुलेशन पैरामीटर से कंपेयर करेंगे, है ना। जैसे अभी अपन ने एक हाइपोथेसिस पढ़ा था, जब मैंने पीपीटी दिखाया था कि जो नेस्ले का अपन ने देखा था मैगी वाला, तो उसमें 2.25 ppm गवर्नमेंट का नॉर्म्स था, करेक्ट, है ना। तो वो एक प्रकार से पॉपुलेशन पैरामीटर है हमारे लिए, और हमने जो सैंपल करेक्ट किए नेस्ले के, उसका भी मीन निकलेगा, और वो मीन और पॉपुलेशन का जो पैरामीटर, उनको कंपेयर करेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे, है ना, और उसको स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा टी वैल्यू या आ जाएगा उसमें, उसमें यदि 30 से कम सैंपल है तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। यदि आपने सैंपल लिए हैं 400 या 500 या 1000 या 10000, तो आप टी टेस्ट नहीं लगाएंगे, तब आप जी टेस्ट लगाएंगे। अच्छा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? टी टेस्ट कब कब कौन से, मतलब कितने सैंपल तक टी टेस्ट एप्लीकेबल रहता है? ओनली 30 डेटा पॉइंट्स तक। अच्छा, मतलब सिंगल सैंपल। यदि दो सैंपल के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, दो सैंपल हैं और उनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, जो पीआर टी टेस्ट होता है या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है ना, वो दो सैंपल के बीच में ए और बी सेक्शन के बच्चों के मैथ्स के मार्क्स हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो वहां ये चीज में हमें देखने की जरूरत नहीं है कि सैंपल साइज क्या है, ठीक है। वहां सीधे आप टी टेस्ट लगा दीजिए, वहां टी लगेगा, चाहे कुछ भी सैंपल साइज हो, 30 से कम हो, 30 से ज्यादा हो। सर कौन सी स्टेट्स पे टेस्ट लगते हैं? कौन सी स्टेट्स पे टेस्ट लगते हैं? कौन से स्टेट्स पे? स्टेज स्टेज पे। अच्छा, ये आप सही बात, चलिए बताता हूँ क्या होता है। जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है रिया, वो खाली हमें डिस्क्राइब करता है किसी भी डेटा को, है ना। डेटा को हमें डिस्क्राइब करेगा कि ये ऐसा है, इतने मेल है, इतने फीमेल है, करंट पोजीशन हमें बताता है, है ना। हमें कोई खाली इंफॉर्मेशन देता कि ऐसा 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 है। अब मान लीजिए कि एक कॉलेज, कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर बच्चे का इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्रिप्टिव डेटा दे रहा है एक प्रकार से, है ना, ये इसका नेचर ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। जब बिग बॉस का ही समझ लीजिए, उसमें कंटेस्टेंट जो होते हैं, सबका हमें नेचर जो है वो डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से पता चलता है। और यदि दो लोगों के बीच में क्या ट्यूनिंग है, वो हमें चेक करना है कि वो ट्यूनिंग सिग्निफिकेंट है कि नहीं है उनके बीच में। बात समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. वो ट्यूनिंग नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं बहुत, है ना।
और दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हो सकते हैं, दे मे बी फ्रेंड दे मे बी एनी भी, तो वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। उनमें जो दोस्ती है वो विशेष है या दुश्मनी है वो विशेष है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। स्पेसिफिक है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम टेस्ट का उपयोग करते हैं, है ना? यस सर। वेरिएबल्स के जो आपसी संबंध हैं, उनको हमें पता करना है कि वो संबंध स्पेसिफिक है या नहीं, सिग्निफिकेंट है या नहीं। Got it? Yes, sir. उसी के लिए हम लोग टेस्ट का, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का उपयोग करते हैं। अब समझ में आ गया कब करना है ये? भाई डिस्क्रिप्टिव से ये पता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये है हमारे पास। पर इन्फ्रेंशियल से वो आपस में उनके बीच में क्या है? Does that make sense to you? Yes, sir. है ना, वो हमें पता चलता है। एनी डाउट भाई, एनीबडी? कहाँ गए? नो सर। सही, मैगी वाले केस में फिर क्या हुआ था? मैगी वाले केस में हमने कितने सैंपल्स लिए थे? देखो नहीं, वो अभी अपने सैंपल साइज वहां नहीं डिसाइड किया था, खाली पीपीटी पे मैं उदाहरण दे रहा था उसकी नल हाइपोथेसिस बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से अपने देखा था ना कल परसों। अच्छा, अगर सपोज मार्केट से उन्होंने 30 सैंपल्स उठाए हो मैगी के पैकेट्स के, तो टी टेस्ट लगेगा। और अगर उन्होंने 35 उठाए हैं तो जी टेस्ट लगेगा। कई लोग 50 तक भी टी टेस्ट उपयोग करते हैं मैडम, सिंगल सैंपल में। ओके, तो इसको सिंगल सैंपल बोलते हैं सर, जब अपन सैंपल पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं इसको सिंगल सैंपल बोलते हैं, इसको सिंगल सैंपल बोलते हैं। और जब आपस में कंपैरिजन होता है बिटवीन टू सैंपल्स तब उसको सैंपल कंपैरिजन बोलते हैं, उसमें तो टी लगेगा ही लगेगा। उसमें तो टी लगा, जी भी लगाते हैं लोग, पर जी आपको मतलब लोग आजकल अवॉइड करते हैं, टी टेस्ट ही लगा लेते हैं उसकी जगह। ओके, पहले जी लगाते थे, उसका कारण था क्योंकि हमें पी वैल्यू तक पहुंचने के लिए या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो क्लास इंटरवल मालूम करने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ती थी। भाई तब कंप्यूटर तो था नहीं कि अभी, कंप्यूटर हमें पी वैल्यू भी दे देता है तो वो वैल्यू क्या आएगी टी वैल्यू, उससे कंपेयर करते थे हम कि हमारा वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू जो टेबल की टी वैल्यू है उससे कम है तो एक्सेप्ट, और उससे ज्यादा होगा तो रिजेक्ट। टी वैल्यू की बात करो, पी वैल्यू की नहीं। तो उसके लिए हमें टेबल देखना पड़ता था डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। वो टेबल एक लिमिटेड होता था ना, वो पूरी पोथी तो छाप नहीं सकते थे हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, क्या आप जो सैंपल साइज ले रहे हो 10,000 सैंपल साइज पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 9,099, उसका वैल्यू यह है। 5,000 सैंपल साइज पे 4,009, एक कम होता है हमेशा, 4,999 का ये वैल्यू होता है। ऐसे तो वो हर एक का नहीं कर सकते ना, ज्यादा सैंपल का। तो उन्होंने क्या कर रहा था कि 30 के सैंपल तक का डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, है ना, टी वैल्यूज दिए हुए थे जो टेबल के टी वैल्यू थे, और हम जो टी वैल्यू कैलकुलेट करते थे हम उसको उससे कंपेयर करते थे। यदि हमारा टी वैल्यू टेबल के टी वैल्यू से कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है ना। मैं बताता हूं आपको, देखिएगा, क्या होता है जब भी हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम उसको अपने एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन पे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम उसको स्विच करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है जनरली। मान लीजिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्स वैल्यूज है ना, एक्स वैल्यूज है, मान लो ये एज वेरिएबल है हमारा, ठीक है, ओके, ये पूरी वैल्यू एक्स की है 12, 15, 18, 20, 25 लाइक दिस। जब हम टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम इसका स्केल ट्रांसफॉर्म होता है सबसे पहले इंटरनल, ठीक है, नया स्केल बन जाएगा।
तो इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ये जो होगा आपका या तो जेड टेस्ट लगा रहे हैं तो जी स्केल होगा, टी टेस्ट लगा रहे हैं तो टी स्केल पे लेके जाएंगे उसको, व्हाट इट काई स्क्वायर है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके जाएंगे। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये अलग अलग, ठीक है। तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन पे ले गए, टी स्केल हो गया ये, अब ये जो वैल्यू है सब कन्वर्ट हो गई इधर, ओके देखिएगा स्केल में भी क्या होता है, अपन जो रूलर होता है उसके एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड इंच होता है, तो सेम चीज ये है, एक रूलर बन गया जहां एक साइड आपकी एक्चुअल वैल्यूज है और दूसरे तरफ आपका डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है जो आप टेस्ट लगा रहे हैं, व्हाट इट। तो मान लीजिए आपका जो टेबल वैल्यू है वो ये है क्रिटिकल पॉइंट उस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है ना। तो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग होंगे, समझ में आ रहा है, ये क्लास इंटरवल टेक्निक होती है। तो मान लीजिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 17, डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 है हमारे डेटा का, मतलब 18 का सैंपल है, एक कम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इस सैंपल पे आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपने जो कैलकुलेट किया है, आपका जो वैल्यू है टी वैल्यू वो मैं यहां लिख रहा हूं, कैलकुलेटेड टी वैल्यू, समझिएगा इस कंसेप्ट को, वो आपका है 1.51, कितना है यह है हाइपोथेटिकली ले रहा हूं मैं अभी, कोई फिक्स नहीं, क्लियर। अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 पे, डेटा साइज आपको मालूम है 18 है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा इन माइनस वन होगा, व्हाट इट। तो मैं 18 पे टेबल वैल्यू देखूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दी हुई है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 5%, ये 1%, और ये अलग अलग परसेंटेज कॉन्फिडेंस जो हमारा लेवल होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल की जो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो हम बात करते हैं, तो ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी 95% कॉन्फिडेंस पे आप 17 डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू देख रहे हैं, कितना आ रहा है यहाँ, क्या आ रहा है, 2.11 आ रहा है, ठीक है ना, व्हाट इट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है टेबल वैल्यू आ रहा है वो 2.11 आ रहा है, व्हाट इट, पॉइंट क्लियर हो रहा है। और मेरा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया वो कितना आया, 1.51, ये हाइपोथेटिकली मैंने लिया हुआ है, ठीक है, तो वो इससे कम हुआ ना, करेक्ट। अब इससे कम हुआ तो यदि मेरा कर्व ये बन रहा है तो रिजेक्शन रीजन तो इसके बाद चालू होगा ना, ये मेरा रिजेक्शन है नल हाइपोथेसिस का, समझ में आ रहा है जी सेलू, हाँ जी। ऐसे ही नेगेटिव साइड भी होगा, तो हम तो एक ही तरफ के हिसाब समझने के हिसाब से चल रहे हैं, मैं दोनों तरफ नहीं बना रहा हूं। तो हमारा जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू 1.51 है, मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया कि नहीं, है ना, क्लियर हो गई ये बात। तो ये एक पुराना तरीका था, हम इसके द्वारा मालूम करते थे, एक तो तरीका ये था, ये काफी मैनुअल तरीका है,
टेबल आती थी, लॉगरिथमिक टेबल आती, ऐसी एक बुक आती थी जिसमें नेचुरल सभी तरह के टेबल्स होते थे, मिलती थी, लॉग टेबल बुक बोलते थे हम उसको। हालांकि उसमें साइन थीटा की भी टेबल होती थी, बहुत सी टेबल्स होती थी, जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होते थे या जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते थे पहले, वो खरीदते थे ना, उसके बगैर तो काम चलते ही नहीं। कई बुक्स में पीछे भी दी रहती है टेबल, स्टैटिस्टिक्स बुक में आपको मोस्टली मिल जाएंगी टी टेस्ट और ये सब। तो ये एक तरीका है इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस को देखने का, समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ रिया, यस सर, है ना। तो ये पुराना तरीका है कि हम टेबल वैल्यू देखते थे और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है यदि उससे कम है तो हम एक्सेप्ट कर लेते थे हाइपोथेसिस को, उससे यदि ज्यादा है हमारी वैल्यू, मान लो 1.51 की जगह मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 2.22, तो वो तो इधर आएगा ना, इसके बाद आएगा ना 2.11 के बाद, है ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। गॉट इट भाई? सबके बात इतना क्या करेंगे, रिजेक्ट हो गया तो। वही मैं बता रहा हूं, यदि रिजेक्ट हो जाता है तो ये हम लोग क्या होता है, एक प्रकार से कॉजल कॉजन इफेक्ट की बात करते हैं, है ना। इन्फेंशियल एनालिसिस बताता है कॉज एंड इफेक्ट स्टडी होती है, कॉजल स्टडी होती है, कॉज पता करते हैं हम इसका। यदि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस बता रहा है, रिजेक्ट हो गया। देखिए नल हाइपोथेसिस क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंस के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है बेटा? नॉन सिग्निफिकेंस मतलब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस या सिग्निफिकेंट इफेक्ट एक वेरिएबल का दूसरे पे नहीं है, है ना, ये बताता है नल हाइपोथेसिस, नॉन सिग्निफिकेंस की बात करता है, यहाँ कोई विशेष अंतर नहीं है, मतलब इसको हम बोलते हैं स्टेटस क्यो, यथास्थिति। व्हाट इट, सर। मतलब कोई अंतर नहीं है साहब, यथास्थिति ये मानी जाती है ना। पर जो रिजेक्शन रीजन है, जब रिजेक्ट होती है तो आपकी यथास्थिति नहीं बनी हुई है, इसलिए तो रिजेक्ट हुई है, ठीक है ना, ये सिग्निफिकेंस की बात करता है। रिजेक्शन जो रीजन है, यदि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो किसकी बात करेगा, सिग्निफिकेंस। अब क्लियर हुआ? यस सर। अब सिग्निफिकेंस क्या है, मान लो अपन दो सेक्शन है, ए और बी सेक्शन है, हम उनके बच्चों के मैथमेटिक्स के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक ए सेक्शन है और एक बी सेक्शन है, किसी भी एक क्लास का, अपन क्लास 10th ले लो, है ना, हम मैथ्स के मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं दोनों के, ठीक है। तो अब मान लो ए सेक्शन में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 35, ओके, और बी सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 42 है, क्लियर, है ना। यस तो ये हमारे पास पूरी 35 वैल्यूज होंगी मार्क्स की, होंगी कि नहीं होंगी भाई, 35 बच्चों के मार्क्स होंगे हमारे पास, सर, और यहां पर हमारे पास कितने बच्चों के मार्क्स होंगे, 42, 45, है ना। तो जब हम इन दोनों सेक्शन के बच्चों के मार्क्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट सैंपल साइज, इंडिपेंडेंट सैंपल है, क्योंकि जो बच्चा ए में है वो बी में नहीं है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। यस सर। तो ये जो सैंपल्स हैं दोनों इंडिपेंडेंट हैं, क्या हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सैंपल्स बोलेंगे, अब इंडिपेंडेंट है तो हम यदि इसके सम को तो कंपेयर कर नहीं सकते कि मैं टोटल कर लूं इसका स्कोर और इसका स्कोर टोटल कर लूं, तो नेचुरली जहां कम होंगे वहां सम कम आएगा, जहां ज्यादा होंगे वहां सम ज्यादा आने की संभावना है। भाई कम संख्या है, 35 है तो इसका समेशन कम होगा ना, और 42 है या ज्यादा संख्या है तो उसका समेशन ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, टोटल करेंगे तो क्या बोलते हैं? यस सर। तो हम क्या करते हैं, इसलिए मीन लेते हैं, ठीक है ना,
तो मीन जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो इसकी रेंज होती कि मिनिमम वैल्यू क्या थी और मैक्सिमम वैल्यू क्या है डेटा में, उसके बीच में कहीं पे मीन आएगा. व्हाट इट? यस सर. रेंज के अंदर ही अंदर आता है मीन आने का. तो दोनों की जो भी रेंज रही होगी भाई, जीरो मार्क्स से हंड्रेड मार्क्स की रेंज यहाँ भी है, जीरो से हंड्रेड की रेंज यहाँ भी मानी जाएगी मार्क्स की, तो एक हाइपोथेटिकल जो रेंज होगी, एक्चुअल में कुछ भी हो, है ना. एक्चुअल में मान लो मिनिमम मार्क्स पांच हो ए सेक्शन में, मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 हो, ठीक है. बी सेक्शन में मिनिमम मार्क्स 10 हो और मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 हो, ठीक है. तो ये रेंज से पर मीन जो होगा एक से सौ के बीच में ही आना है दोनों का. आना कि नहीं आना? Yes, sir. तो हम मीन को कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर कैसे करते हैं? हमारा जो कोई भी टेस्ट होता है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है किसी भी टेस्ट का, मैं टी टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एनी टेस्ट, वो होता है रेशियो. काहे का रेशियो होता है? डिफरेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Divided by standard error. Clear हो? अब statistics क्या हमारे पास दोनों के mean है? दोनों के mean है? दोनों sample के? हाँ जी. तो पहले sample का mean हुआ, mean of sample A और मीन ऑफ सैंपल बी, इन दोनों का डिफरेंस, और जो भी हमारी स्टैंडर्ड एरर होगी वो यहां लिख दे. व्हाट इट? यस सर. ये जो रेशियो का वैल्यू आएगा वो उस टेस्ट का वैल्यू होता है, वही है टी वैल्यू है. ये जो हमारी निकली ना कैलकुलेटेड 1.5 जो मैंने लिखी है हाइपोथेटिकल, वो इसको इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला हुआ मान लो आप. व्हाट इट? हाँ जी, कोई डाउट हो? नहीं सर. तो स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलता है? मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ. एक्चुअली होता क्या है स्टैंडर्ड एरर, पहले अपन वो समझे. आप लोगों को पता है, बाकी लोगों को? हाँ जी सर, पढ़ा हुआ है पहले. पढ़ा हुआ है. सैलू को मालूम है? फैनेंद्र को? अभी पढ़ा है सर, याद नहीं है अभी. चलिए मैं थोड़ा सा अपन इसको रिव्यू कर लेते हैं, रिया भी समझ लेगी थोड़ा सा, ठीक है. एक बार आपके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा कि हाँ क्या होता है इससे अपने डिस्ट्रीब्यूशन में. जरा देखता हूँ इसको. आज मैं देखिएगा आज सब करूंगा शेयर में, जो भी पिछले वीडियोस है जो भी है बीच में कर नहीं पाया था. देखिए सैंपल और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए आपकी कोई पॉपुलेशन है, ये अपन थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं आगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ सैंपल. Statistics for a given size sample selected from a population. कोई population से हम जो भी sample लेते हैं तो आप random भी लेते हैं ना, हमेशा sample का मतलब ही होता है random. Clear? तो आप वो random sampling ले रहे हैं. आप एक sample लिया, फिर आपने दूसरा sample लिया, हर sample random है, sample size same रख मान लेते हैं अपन, और उसमें से आप अलग अलग सैंपल ले सकते हैं. तो कई तरह के सैंपल ले सकते हैं, एन वेज है, एन सैंपल हो जाएंगे उसमें, होंगे कि नहीं होंगे? yes, तो अपन इसको समझते हैं इस तरीके से. देखिएगा एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अपन बनाते हैं. ये मेरी पॉपुलेशन है चार लोगों की, ए बी सी डी. कितनी पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन साइज क्या है मेरा? 4. सैंपल साइज नहीं, पॉपुलेशन का साइज. व्हाट इट? अब इसमें जो रैंडम वेरिएबल है वो एज है,
इनकी एज की मैं बात कर रहा हूँ, जो चार लोगों के मेरी पॉपुलेशन है उनकी एज क्या है, ठीक है। तो 18, 20, 22, 24 ईयर्स, क्लियर हो? हाँ जी, यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में समरी मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का समरी देता हूं। अब पॉपुलेशन है, इसकी समरी में क्या होगा, मीन निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, है ना। yes, और भी होती है समरी में, और भी चीजें स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा, मैं और भी चीजें और भी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकता हूं, पर मैं ये दो चीज निकाल रहा हूं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किसका है, पॉपुलेशन का है, क्लियर? पॉपुलेशन है ना, ये तो चार लोगों की पॉपुलेशन है, 18, 20, 22, 24, इनको जो जोड़ूंगा डिवाइडेड बाय 4, मीन आ गया, क्लियर? ऐसे ही मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस x बार स्क्वायर समेशन डिवाइडेड बाय n, ये अपन ने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में समझा, याद है? यस सर, है ना। तो x i माइनस x बार म्यू की जगह अपन म्यू इसलिए ले ली कि पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हैं, तो म्यू रख लिया आप, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, 2.236। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो 2.236 ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्लियर हो गया दो चीज? यस सर। ये दो चीज हमने निकाल ली। अब ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पी ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 से 1 तक होता है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में रेंज करती है, करती है कि नहीं बताइए? यस सर। तो 18 एक ही टाइम में मेरे पास, कितने बार आया है 18 इस पॉपुलेशन में, एक ही बार आया ना, कितने बार रिपीट हुआ है? एक ही बार आया। तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 18 को, यदि मैं इसमें से कोई भी एक नंबर चूज करूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 18 की प्रोबेबिलिटी कितनी है चूज करने की, मेरे सिलेक्ट 25% 25% 0.25 हुआ, 25% का मतलब क्या हुआ, 0.25 है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा 0.25 प्रोबेबिलिटी है 18 को चूज करने की, देखिए 0.2, 0.3 के बीच में, क्लियर हुआ भाई सबको? यस सर। ऐसे 20 को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी मेरे पास, वो भी सेम है, सेम, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म आ रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा, व्हाट इट? यस सर। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरा पॉपुलेशन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर हो गया? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, नहीं, क्या बोलते हैं फैनिंग सर, ये इवन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर हो गई ये बात सबको, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यहाँ मैं दो चीज कवर करने वाला हूँ, एक तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम और एक स्टैंडर्ड एरर, दो चीजें अपन कवर कर रहे हैं। तो इस जो मैं बताते जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझते जाएं, अभी अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस चार लोगों की पॉपुलेशन में से मैंने एक सैंपल निकाला, दो लोगों का, कितना सैंपल ले रहा हूं मैं, दो, ठीक है, सैंपल साइज मेरा 2 है, अंडरस्टैंड? हाँ जी, यस सर। और वो सैंपल मेरा रिप्लेसमेंट के साथ है कि मैं जो 18 लूंगा उसको दोबारा भी चूज कर सकता हूँ, व्हाट इट, विथ रिप्लेसमेंट, समझ में आ रहे हैं? यस सर। तो मैंने यहां लिख दिया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ लिखे और सेकंड ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ लिखे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 18, 20, 22, 24, सेकंड ऑब्जर्वेशन 18, 20, 22, 24। तो पहला ऑब्जर्वेशन मैंने लिया 18 और दूसरा भी मैंने 18 ले लिया, ये हो सकता है ना, फर्स्ट लिया 18 दूसरा 20, ये मेरे सैंपल साइज है, पहला या तो मैं ये सैंपल ले सकता हूँ या मैं ये सैंपल ले सकता हूँ या मैं ये, तो मेरे पास इतने ऑप्शन है सैंपल लेने के, कितने ऑप्शन हो गए, 16 ऑप्शन हो गए मेरे पास, हर कॉम्बिनेशन आ गया इसमें, यस सर, व्हाट इट। तो अब ये जो सैंपल है, अब इन सैंपल्स के मैं मीन निकालता हूं,
इस सैंपल का मीन निकालूंगा तो 80 नहीं आएगा, ये मीन लिखे मैंने, इसको एड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो 19 आएगा। क्लियर हो रहे हैं भाई? सभी सैंपल के मीन निकाल लिए मैंने, ये रख दिए। देखिए ध्यान से, यस सर। तो मैंने सभी सैंपल के मीन निकाले, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मीन आए हैं सभी सैंपल में, जो पिछले में यही टेबल को मैंने आगे फॉरवर्ड किया है, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ साथ अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है। 18 कितने आ रहे हैं भाई इसमें, 18 कितने टाइम आया? एक ही बार, एक ही बार आया। और टोटल कितने हैं? 16। टोटल कितने मीन है? 16 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 16 जो भी वैल्यू आएगी ये हुआ 18 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 0.1 से कम ही होगा, 1 बाय 16 क्या होगा, तो ये आ गया। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। दूसरा 19 टू टाइम्स, 2 बाई 16 ये आया, 23 टाइम्स है 3 बाई 16 ये आया, है ना, ये प्रोबेबिलिटी है अपनी। 21 4 टाइम्स है, फिर 22 3 टाइम्स है, 23 2 टाइम्स है, और 24 1 टाइम। गॉट इट? समझ में आया? अब ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल है कैसा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर हुआ? तो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म था, पर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हम उसमें से एन सैंपल्स ले सकते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। तो इससे एक बात सिद्ध होती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही बोलता है कि आपका पॉपुलेशन कुछ भी हो, चाहे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, पर आपका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल होगा। गॉट इट? समझ में आ गए? जो सैंपलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मतलब जो सैंपलिंग के मीन का, जो भी सैंपल ले रहे हैं उनके सबके मीन निकालेंगे और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो हमेशा नॉर्मल होगा। Does that make sense to? यही सेंटर लिमिट थ्योरम है। Yes, sir. है ना, सेंटर लिमिट थ्योरम में आगे लिखा भी ये स्टेटमेंट, वो पढ़ के बताऊंगा, थोड़ी सी हम चीजें समझे। और जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, उसमें 16 डेटा पॉइंट्स है, मीन है ना 16 मीन्स है, व्हाट इट क्या नहीं है? तो मैंने उस 16 मीन्स को एड किया, ये जो है ना ये इसके लिए डैश 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 लगाते हैं ना, वो मैंने लिखा। व्हाट इट? 18 19 19 टू बार था, फिर 23 टाइम्स है, फिर 21 4 टाइम्स था, ऐसे करके मैं लिख दिया पूरा, और सबका समेशन किया और 16 से डिवाइड किया, तो मीन कितना आया मेरा, कितना आया? 21 आया। आपको मैं पॉपुलेशन का मीन बताता, पॉपुलेशन मीन कितना दिख रहा है? 21। और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना आ रहा है? 21। सेम आ रहा है। तो म्यू ऑफ एक्स बार है ना, म्यू ऑफ एक्स बार मतलब ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, और म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन है, खाली खाली म्यू लिखेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन मीन, और म्यू ऑफ एक्स बार लिखेंगे तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन। गॉट इट? यस सर। अब सिग्मा एक्स बार में ले रहा हूं, तो मेरा जो मीन है यहाँ 21 है, और पहला डेटा 18 माइनस 21 स्क्वायर, दूसरा 19 माइनस 21 स्क्वायर, तीसरा भी 19 माइनस 21 स्क्वायर, ऐसे करके होगा पूरा 16 पॉइंट्स। गॉट इट? और इसका समेशन डिवाइडेड बाय 16 एंड स्क्वायर रूट, आई विल गेट द 1.58। क्लियर हुआ? हाँ जी, ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक
ठीक है सर, 1.58 स्टैंडर्ड डिविएशन है ना? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ सैंपलिंग, ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 18, 19, ये सब क्या है, ये जो मीन है वो सब हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है के मीन है, और ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही मैंने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है सर, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन अपन ने निकाला है ये पॉपुलेशन के मीन से निकाला है कि सैंपल के मीन से निकाला? सैंपल के मीन से निकाला है ना। अच्छा भाई 18, 19, 20, 19 टू टाइम्स, 23 टाइम्स, ऐसे करके ये सबके डेविएशन देखे हमने। 16 डेविएशन है ना, 16 से डिवाइड किया इसको, तो आप देखिएगा 1.58 है। अब मैं पॉपुलेशन पे आता हूँ, पॉपुलेशन का क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना है? 2.236 है ना, और हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 1.58। अंतर आया, मीन में तो नहीं आया था, है ना? ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसी को स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। व्हाट इट? ओके, ये देखिए फिर से एक बार, ये लास्ट वाला फिर से बताइए जी। तो यहाँ तक तो समझ आ गया पूरा। हाँ, इसी को, ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसी को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। थोड़ा सा और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, ये हमारा ये, तो वही मीन दोनों का 21 है और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का अलग है ना, पॉपुलेशन का एसडी अलग है और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एसडी 1.58 है। व्हाट इट? अंडरस्टैंड? Yes, sir. और इसी को हम स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, और इसको जो कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, क्योंकि पॉपुलेशन के तो आपको मालूम होगी नहीं ना, आपके पास 1000 ऑब्जर्वेशन है पॉपुलेशन में और आप उसके कितने सैंपल निकाल सकते, तो आप तो उसके 1000 ऑब्जर्वेशन के भैया सेम सैंपल साइज, मान लो आप 5 का सैंपल साइज ले रहे हो 1000 में से, तो कितने होंगे? 1000 परमुटेशन 5, 1000 PR होगा कि नहीं होगा, है ना? Yes, sir. यदि हम उसको कैलकुलेट करें तो परमुटेशन तो ये होगा, एक्चुअली ये होता है फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल एन माइनस आर, 1000 का फैक्टोरियल और 1000 माइनस 5 यानी 995 का फैक्टोरियल, यही होगा। सो 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू 997 इंटू 996, इतने का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा उसका, यदि हम इसको देखें तो 1000 into 999 into 998 into 997 into 996, कितना आ रहा है? देख रहे हैं फिगर आप? यहाँ 1000 लैक्स करोड़ अरब खरब, खराब से भी ज्यादा, ठीक है, संभव है इतने सैंपल निकाल पा? पता ही नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं।
तो हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी नहीं मालूम कर सकते, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्टैंडर्ड एरर भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। कर सकते हैं क्या, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से कर सकते हैं, संभव है? ये तो 1000 के सैंपल साइज है, सॉरी 1000 की पॉपुलेशन है, सैंपल साइज 5 ले रहे हैं, पॉपुलेशन और भी ज्यादा होती है ना, तब क्या कर, कैसे तो क्या कैलकुलेट करना चाहिए? उसके लिए फिर एक दूसरा टेक्निक है जिसके थ्रू हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं, वो बताता हूँ आपको। ये तरीका है, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सैंपल साइज फॉर द सेम पॉपुलेशन विल येट डिफरेंट सैंपल मीन, है ना, ये तो अपन को मालूम है, डिफरेंट सैंपल साइज होगा तो डिफरेंट सैंपल मीन आएंगे, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम साइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन विल येट डिफरेंट सैंपल मीन। सेम साइज अपन ने दो दो लिए, 18 18 आया, फिर 18 19 आया, फिर 18 20, तो उसके मीन सबके अलग अलग आए थे, है ना, साइज सेम था। A measure of variability in the mean from sample to sample is given by the standard error of mean. इसको बोलते हैं sample to sample, जो variability आ रही है, measure of variability in the mean, जो sample हमने इतने सारे लिए हैं, उन सब sample के हमने एक total का mean निकाला था जो 21 आया था, और हर sample के mean की जो variability आ रही है, पहले mean की variability जैसे मैं आपको बता, पहले मीन की वेरिएबिलिटी ये हुई 18 माइनस 21, व्हाट इट, समझ में आ रहे हैं? दूसरे मीन का वेरिएबिलिटी, तो ये सब मीन की वेरिएबिलिटी बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? यही मैं चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द मीन फ्रॉम द सैंपल टू सैंपल इज गिवन बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये जो वेरिएबिलिटी है सैंपल टू सैंपल हम मीन की फाइंड आउट करते हैं, यही स्टैंडर्ड एरर है ना, ये एक प्रकार की एरर है, और इसी एरर से हम डिफरेंस को डिवाइड करते हैं टेस्ट में, है ना। सो दिस एज्यूम दैट सैंपलिंग इज विद रिप्लेसमेंट और सैंपलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन। यदि आपकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट, अभी मैंने 1000 की पॉपुलेशन बता दी, तो उसमें खरबों के ऊपर पहुंच रहा था मामला, या तो इनफिनाइट पॉपुलेशन की मैं बात करूं, तो आपके पास जो सैंपल है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको आप रूट एन से डिवाइड कर दो, तो आपको स्टैंडर्ड एरर प्राप्त हो जाता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड? तो यहां मैं आपको करके बताता हूं, ये वही फॉर्मूले हैं। आप जैसे अपना आया था, अभी मैं पॉपुलेशन पे करके बताता हूँ, सैंपल पे भी वही आएगा, स्टैंडर्ड एरर बताएगा सैंपल के हिसाब से। तो अपना 1.58 जो अपन देखें, दोनों टेबल यहाँ बनाए थे अपन ने, ये सॉरी, ये 2.236 और 1.58, 1.58 अपना स्टैंडर्ड एरर है और 2.236 अपना पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो देखिएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को मुझे रूट एन से डिवाइड करना है ना, तो 2.236 डिवाइडेड बाय, पहले मैं रूट एन ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 36 कितना है, एन कितना है अपना, 4 है, एन 4 है इसमें जी, आया ना? यस सर। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 तो मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता,
है? 1.118 1.118, ये आपका, क्योंकि ये पॉपुलेशन पे लिया हुआ है ना। आप सैंपल के हिसाब से यदि देखेंगे, आप जो सैंपल लेंगे और सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, और उस सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को आप रूट नाइन से डिवाइड करेंगे तो, और रूट एन से डिवाइड करेंगे सॉरी, तो आपको हमेशा ये स्टैंडर्ड एरर का फिगर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन लिया हुआ है अपन ने, ठीक है ना, यस सर। तो इसलिए ये फिगर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि हम सैंपल लेंगे तो बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर समझ में आया क्या है? सर। तो ये चीज हो गया। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे लेते हैं, उसको कैसे करते हैं? एनी डाउट नहीं ना? हाँ जी भाई, आप लोगों को किसी को वर्क तो नहीं है आज? दित्या जी, बेटे का क्लास होगा शायद। यस सर, मैं को निकलना है सर। चलिए तो अपन इसको कल देखते हैं, आगे की चीजें। ठीक है, कल ठीक है, तो कल का है तो क्लास। नहीं है क्लास, पर कल आप रखना चाहेंगे कंटिन्यू? आप लोग सोच लीजिए, यस विचार कर लीजिए। मेरा तो क्लास रहेगा तो मैं तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। सेलू के साथ दिक्कत है यहाँ, कल परसों दोनों दिन, तीनों दिन। चलो हाँ चलिए, तो अपन मंडे को, आज मैं सब ये थ्योरी आपको मैं सेंड करता हूँ है ना, ठीक है तो सर। आप थोड़ा सा इसको स्टडी करिए, और भी नेट पे देखें आप लोग कुछ चीजें है ना। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो अपन को कुछ भी करना हो, मॉडलिंग वगैरह, इसके बगैर संभव नहीं होगा। ओके सर। तो आज मैं मटेरियल देता हूँ, और कुछ चीजें आप लोग नेट पे भी, जहां भी आपको डाउट है नेट पे भी स्टडी करें थोड़ा सा, है ना। ओके सर। तो आज अपन यही वाइंड अप करते हैं इसको, आज मैं सब अपलोड कर दूंगा पूरा, वीडियोस वगैरह भी सब, लिंक वगैरह। ठीक है, वो रिया को मैं उसी में आप ही के ग्रुप में ऐड कर लूंगा उधर ड्राइव पे, तो वो ड्राइव का लिंक भेजूंगा रिया दूसरा, है ना, यस तो उससे आप मटेरियल एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक ओके, यू सर। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू।